आज मैं बना रही हूँ बचका, और पता नहीं कैसा बनता है मुझे नहीं पता। हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे छोटे भाई के लिए अभी मम्मी बना रही है ये सारा बचका। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? मैं तो ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक हुई होंगी। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, और बागेश्वर बालाजी की और लड्डू गोपाल की मैं भोग लगा दी हूँ, और बागेश्वर बालाजी की मैं पूजा भी कर ली हूँ। और अभी मैं आप लोग को अपने पूरे भगवान जी से भी मिलवाने वाली हूँ गाइस। तो आज का बहुत ही खास दिन है कि आज होली का दहन है, तो अभी हम आप लोग को चलते हैं, पहले हम अपने भगवान से मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरा जो भी वीडियो रिलीज़ हो वो आप तक बहुत जल्द पहुँच जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं अपने भगवान जी से मिलवाती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, ये रहे हमारे बागेश्वर बालाजी महाराज बजरंग बली, और यहाँ पे हैं दुर्गा माता, और उसके बगल में हैं शंकर भगवान जी, पार्वती जी। और भगवान से यही प्रार्थना है कि बस आप हम पे और आप सभी पे, हमारे जितने भी देख रहे हैं वीडियो उन पे आशीर्वाद बनाए रखे बागेश्वर बालाजी महाराज। और गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में बागेश्वर बालाजी के का नाम ज़रूर लिखना है, बोलिएगा बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, इतना आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, मैं कमेंट सबका पढ़ूंगी। और सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल अपने छोटे भाई से नहीं दिखाऊंगी, आपको नहीं मिलवाऊंगी। तो ये रहे हमारे छोटे से, नन्हे से, प्यारे से लड्डू गोपाल, मेरे भाई। देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने इन्हें भी सजा दिया है, देख सकते हैं कितने प्यारे से बैठे हुए हैं। हाई आप भी कीजिए ना लड्डू गोपाल, लेकिन ये तो हाई ही नहीं करते। तो देख सकते हैं गाइस, अब मम्मी के पास आ गए हैं, तो आज होली का दहन है, तो मम्मी कढ़ी बना रही है अभी, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे है भुंजिया काट के रखा हुआ, और इधर है चना फुला के रखा हुआ, यानी चना का बचका भी बनेगा, और भुंजिया और कढ़ी चावल और भी बहुत सारा चीज़ बनने वाला है। तो अभी तो फिलहाल कढ़ी बन रहा है, देख सकते हैं, और अभी इसमें फुलौरी नहीं डाला है, बनेगा तब तो, अभी बनेगा। तो गाइज चलते हैं, हम आपको अब आगे दिखाते हैं। तो गाइज, आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज हमारा भाई का रिज़ल्ट भी है, और आज होली का दहन भी है, और 6 तारीख है, और आज भाई का रिज़ल्ट भी है। तो देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, और वो तो अभी सो ही रहा है, लेकिन वो उससे जाती हूँ मैं, उठा लेती हूँ, और उठा के उसको बोलूँगी जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि 9 बजे तुझे जाना है रिज़ल्ट लाने के लिए। तो देख सकते हैं गाइस, मुझे सुबह सुबह भूख लगी बहुत ज़्यादा, तो मैंने अभी निमकी और 2 पकवान लिए हैं खाने के लिए, आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए मेरे साथ खा लीजिएगा। वाओ, बहुत ही मस्त है, मुझे तो मज़ा आ गया खा के, आप लोग को भी खाना तो खा लीजिए, अभी भी टाइम है, आके खा लीजिए। तो गाइस, मैं आप लोग को खाने के बाद मिलती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस आप लोग कि मैं तो पूजा कर ली हूँ, और मम्मी भी, और अभी तो पापा पूजा कर रहे हैं, देख सकते हैं भगवान जी का पूजा। अब मैं तो अभी तक दिया जलाई थी, तो वो तो अभी तक जल ही रहा है, देख ही सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं आगे, दिखाते हैं आपको हम। तो देख सकते हैं गाइस, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे छोटे भाई के लिए अभी मम्मी बना रही है ये सारा बचका। और ये जो इसमें कढ़ाई में है जो सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए ही है, और मम्मी उधर कढ़ी में फुलौरी डाल के और उसे मिला देगी, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा खाने में। और अभी तो मुझे खाना भी नहीं है, मम्मी बोले कि जब तक तुम्हारा भाई नहीं खा लेता तब तक तुम्हें नहीं खाना है, पता नहीं क्यों ऐसा रीति रिवाज होता है। कोई बात नहीं, फिर भी अभी मेरे लड्डू गोपाल से पहले लड़का खाता। ओहो, लेकिन ये तो गलत है ना। खैर कोई बात नहीं, चलते पहले लड्डू गोपाल को खिला देते हैं हम। देख सकते हैं गाइस, ये बैगन का मम्मी बचका बना रही है, और ये अपने लड्डू गोपाल के लिए खाना निकल गया है, मम्मी चावल निकाल रही है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, हमारे लड्डू गोपाल जी, और यहाँ पे इतना सारा खाना है, तो मैं इन्हें खिलाऊंगी अभी, जस्ट देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए गाइस, अभी मैं इन्हें खिलाना प्रारंभ करती हूँ।
लीजिए, खा लीजिए लड्डू गोपाल जी मेरे भाई। और ये है बैगन का पचकाई, भी खा लीजिए। ये देख सकते हैं, ये बूट का, ये भी खा लीजिए। ये देख सकते हैं, मैंने सारा खिला दिया इन्हें, और ये भी। तो देख सकते हैं गाइस, अब मम्मी को हम बोल दिए कि कुछ खा लिया करो तुम, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। तो हम खाना खा लिए हैं, तो हम थोड़ा सा बचका बना लेते हैं, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना है ना, इसीलिए मम्मी को बोल रहे हैं तुम खा लो और हम बना रहे हैं। तो देख सकते हैं आज मैं बना रही हूँ बचका, और पता नहीं कैसा बनता है, मुझे नहीं पता, लेकिन बनाती हूँ, देखते हैं कि कैसा लगता है खाने में। अभी तो मैं बना ही रही हूँ, देख ही सकते हैं। तो गाइज़, अब मैं आप लोग को अपने भाई का रिज़ल्ट बता देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा नंबर आया है उसका, लेकिन उतना तो अच्छा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सेकंड डिवीज़न आया है, और बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है अभी उसे, लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड डिवीज़न आया है, पास तो कर ही गया है ना। और उसका रिज़ल्ट तो मैंने बता दिया, और सारा काम आज का क्लियर हो गया है, सारा खाना भी मैंने बना लिया है मम्मी मिलके, दोनों मिलके। और आप लोग को आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब गाइज, मैं आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉगिंग में, जब तक के लिए आप लोग हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग में, बाय।